तुम्हारी महिमा का कौन पार पा सकता है? तुम्हारी लीला अपरंपार है। प्रिय जी, यह सब तो परमेश्वर की लीला है। राजा लक्ष्मण, आज इस जंगल के जानवर क्यों इस प्रकार भय खा रहे हैं और तेजी से भागे जा रहे हैं? भाई साहब, होशियार हो जाइए। सूर्यवंशी झंडा वायु में लहरा रहा है। यदि भरत है तो किस बात का डर है? अगर भरत है तो इतनी सेना क्यों साथ लेकर आ रहा है? अवश्य ही उसके मन में कुछ न कुछ समाया हुआ है, इसलिए इतनी सेना लेकर आ रहा है। प्यारे लक्ष्मण, भरत से भला किस बात का डर है? खैर कोई बात नहीं, आने दीजिए। आपकी अगर मगर कुछ न कुछ गम फूल अवश्य खिलाएगी। न मालूम किन किन कष्टों का सामना कराएगी। इस हालत में भी उस कायर के लिए मेरा एक ही बार काफी है और उसका गुमान तोड़ने के लिए मेरे बाण ही काफी है। प्यारे लक्ष्मण, जरा सब्र करो और अपनी तबीयत पर थोड़ा जब्र करो। उसको जरा निकट आने दो और अपने दिली भाव बताने दो। भाई साहब, बहुत सब्र किया और कब तक खूने जिगर पिया। वह देखो भरत भागता हुआ आ रहा है। प्यारे भरत, भला तुम रोते क्यों हो? कुछ कारण भी बताओ और अपना हाल तो सुनाओ। भ्राता जी, आप न जाने किस दुष्टा का कहां मानकर 14 वर्षों के लिए वनों में आ गए। प्यारे भरत, मैं तुम्हारी यह हालत किन नाकों से देखूं?
यदि स्वप्न में ही तुम्हें उदास देख लेता था तो पसीने से तर बतर हो जाता था। मैं तुमको निश्चय दिलाता हूँ कि तुम्हारी निस्बत कोई भी रुष्ट सुबह नहीं है, न ही माता के कहीं पर कोई दोष है। हाँ भ्राता जी, ये सब मेरे पूरे कर्मों का फल है। प्यारे भरत, तुमने सभी को इतना कष्ट भला क्यों दिया? भ्राता जी, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। अरे क्यों? प्यारे शत्रुघ्न, भला तुम रोते क्यों हो? तुम इस कुटिया में अपनी भावत के पास विश्राम करो। मैं माताओं के स्वागत के लिए जाता हूँ। जो आ गया भ्राता जी। मेरी माता, आपने इतनी दूर दराज जाकर भला क्यों तकलीफ उठाई? मेरी माता, तुम बोलती क्यों नहीं हो? आप अपने दिल में कदाचित किसी प्रकार का ख्याल न करें और अपनी तबीयत पर कोई मलाल न करें। ओहो, ये देखो कैसी गरीब है। पुत्रो, धन्य है तुम्हारा यह चेहरा दोबारा देखने को मिला। हाँ माता जी, कहिए चित्त तो प्रसन्न है। बेटा, अब तुम्हारे सर पर पिता का साया नहीं रहा। हाय हाय, कैसा शोक हुआ। और पिताजी का स्वर्गवास हो गया। बेटा, तुम मन को पधारे और वह स्वर्ग सिधारे। भ्राता जी, जो कुछ प्रार्थना करनी थी वह मैं कर चुका हूँ। आप मुझे अभी क्यों मारते हैं? मैं तो पहले ही मर चुका हूँ। सारे सुखों का खात्मा हो गया और आपका ऐसा कठोर आत्मा हो गया। प्यारे भरत, तुम्हारा प्रेम जो कुछ मेरे साथ है उसे मैं भली भांति जानता हूँ। बहुत अच्छा भ्राता जी, अगर आपका यही भरम है तो भरत भी 14 साल के लिए यहीं पर निवास करेगा। अगर आप अयोध्या पर नहीं चलोगे तो भरत का भी अयोध्या में भला क्या काम है। प्यारे भरत, तुम्हारी इस राय से मैं बिल्कुल वक्त खिलाफ हूँ।
माता जी अब आप भी इंसाफ कीजिए और जो हुक्म दे वो मुझे मंजूर होगा। बेटा तुम दोनों कौशल्या के मित्र हो, अगर मेरे से कहलवाना चाहते हो तो साफ सीधे सुनो। 14 साल के लिए भरत अयोध्या में निवास करे और रामचंद्र वनवास करे। हाँ अब मैं क्या कहूँ, भरत को हर तरह से मजबूर किया जा रहा है। बहुत अच्छा, बस मुझ पर इतनी कृपा कर दीजिए कि आप अपनी चरण की घड़ा मुझे दे दीजिए, मैं उनको अपने साथ ले जाऊंगा और तख्त अयोध्या में सजाऊंगा। मगर एक बात ध्यान रहे, अगर 14 साल से एक दिन भी आप अधिक लगाओगे तो भरत को जिंदा नहीं पाओगे। प्यारे भरत, मैं तुम्हारा कहना स्वीकार करता हूँ और 14 साल व्यतीत होते ही तुम्हारे पास आऊंगा और उसे एक भी दिन अधिक न लगाऊंगा।